नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। संक्रमित महामारी कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में लोगों को फ्रिज की जगह देसी फ्रिज का पानी भर रहा जा रहा है। लोग भाग भाग कर पानी पी रहे हैं, साथ ही साथ फ्रिज का पानी पीने से उनको डर सता रहा है कहीं फ्रिज का पानी पीने से खांसी जुकाम ना हो जाए, इसलिए मटके का पी रहे हैं। इसी के चलते मटकों की मांग बढ़ी है और मटके महंगे मिल रहे हैं। आपको बता दें, मटका विक्रेता राम सिंह प्रजापति ने हिंदुस्तान टुडे के संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य को बताया कि पहले हम बने हुए मटके आगरा से 20 से 30 रुपए में लाते थे। चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसी के चलते इस बार लोकल में करहिया से ही हमको 50 से 60 रुपए में मिल रहा है और हम 70 से 80 तक बेच रहे हैं। पहले मेला में हम हजारों मटके बेच लेते थे, अब तो बहुत कम बिक रहे हैं। दिन भर में से 5 से 10 मटके बिकते हैं, ऐसे में मेरे परिवार का गुजारा होना मुश्किल है। चिन्नौर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। आप मटका खुद बनाते हैं, स्वयं के कहीं खरीद के लाते हैं? नहीं, खरीद के लाते हैं। तो और साल से ज़्यादा सेलिंग है कि कमी आई है? नहीं, इन साल बहुत कमी आई है। क्यों, इन साल तो फ्रिज यूज नहीं हो रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं है कि वर्षा हो रही है। हाँ। बेमौसम वर्षा हो रही है, दो दिन बाद पानी बरसता है, इसलिए महंगाई है। कितने का खरीदा आपने मटका? 80 रुपया। और साल कितने में खरीदे?